हेलो दोस्त, आज डिस्कस करने वाले हैं एक एसर लैपटॉप जो आया है, उसका प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले। पहले हमको चेक करना है, पहले उसका एडाप्टर में बोल्ट आता है या नहीं, वो चार्ज कनेक्ट होता है या नहीं, प्रॉपरली बैटरी ड्राई मैंने मेरे हिसाब से डिस्चार्ज है या प्रॉपरली चार्ज है या नहीं, वो थोड़ा सा पहले चेक करके उसके बाद हम उसको खोल के चेक करेंगे। बट हम तो उसका डीसी चार्जर, जो एडाप्टर, उसका बैटरी की दोनों चेक कर चुके हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इसीलिए फिर भी उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो हम उसे खोल रहे हैं। उसके बाद वो जब खुलने के बाद ही उसको पता चलेगा कि उसका रैम सेक्शन में प्रॉब्लम है, वो बायोस में रीसेट करना पड़ता है, दो जो सीमोस का बैटरी आता है उसमें भी हम रीसेट कर सकते हैं, बट विदाउट ओपन मैंने नहीं खुलने से हमको कैसे पता चलेगा, तो इसलिए हम खोलते हैं क्या ये प्रॉब्लम आ रहा है। सिर्फ नो डिस्प्ले है, ऐसा का लैपटॉप है, ये भी एक तो अच्छा लैपटॉप है ऐसा का, इसका प्रोसेसिंग भी वगैरह बहुत अच्छा है, खुलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसका पीछे का जो स्क्रू वगैरह दिया होता है पीछे में, टोटल स्क्रू खोल देना है। ज़्यादातर लैपटॉप क्या होता है कि हम चार्ज 60-70% अवेलेबल होके भी हम चार्ज कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज का फ्लक्चुएट होने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बट उनसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एसर लैपटॉप अच्छा सा है, उसमें भी टेंशन का नहीं है खोलने में, इजी इंस्टॉलेशन, इजी पुश आउट में भी अच्छा, खोलने में भी दिक्कत नहीं है, उसका स्क्रू में भी बहुत अच्छा है। ओके, डेल का लैपटॉप है क्या? क्या उसका प्रॉब्लम क्या है? चार्ज नहीं हो रहा है? ठीक है भैया, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो देख लेंगे। एक तो लैपटॉप अभी चल रहा है, उसका काम ख़त्म होने से वो देख लेंगे। हाँ, हो जाएगा भैया, आपका नंबर दीजिए वहाँ पे नोट कर, अभिषेक उसका नंबर, उनका नंबर थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद देखिए बोल देंगे। ठीक है, हाँ भैया, उसका लैपटॉप खुल रहा है, अभी टोटल स्क्रू अभी खुल चुके हैं, स्क्रू खोलने के बाद उसे जो बैक साइड का पैनल है वो थोड़ा सा खोलने के बाद ही पता चलेगा इसका जो मदरबोर्ड है वो कैसा है, उसका जो डिग्रेडेटर है कैसा है, उसका रैम वगैरह कितना कैसा लगता है, उसका प्रोसेसर, उसका सीपीयू फैन सब कुछ वहाँ पे फिक्स होता है, उसका कीबोर्ड का जो आता है, ज़्यादातर क्या होता है कि लैपटॉप में कीबोर्ड का पार्ट अलग आता है, एक एक लैपटॉप में क्या होता है कीबोर्ड अलग सा खुलता है, बट इसमें अटैच दिया हुआ है। बहुत दिन हो गया शायद लैपटॉप, इस लैपटॉप को कोई खुले नहीं थे, लॉक को थोड़ा ये देखना पड़ता है, टेंशन नहीं, लॉक देख देख के खुलना है। पहले खुलने से एक तो चीज़ है, वो वहाँ पे एक तो केबल दिया होता है, केबल खुलने के बाद खुलेंगे, डायरेक्ट खोल देने से दिक्कत हो जाएगा। अभी ऑलरेडी खोल चुके हैं लैपटॉप को, देखिए थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, अगर कोई डस्ट वगैरह है तो क्लीन हो जाएगा। ये जो केबल देखे थे वही केबल, देखिए वहाँ पे सीपीयू का रैम वगैरह सब कुछ है, रैम वॉश कर देने से हो गया, प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट था, ठीक हो गया। अभी देखिए